हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर के अपडेट के बारे में। तो थॉर लव एंड थंडर के टोटल फिल्म मैगजीन ने ऑफिशियली 2 मैगजीन कवर के पोस्टर रिलीज करे गए, जो कि बहुत ज्यादा कमाल के लग रहे हैं, आप मेरी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, जिसमें कि नेटली पोर्टमैन यानी कि हमारी लेडी थॉर और हमारे थॉर दोनों ने हथौड़े पकड़ रखे हैं, तो कवर काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में। तो एमसीयू में अब तक जितनी फेज 4 में सीरीज रिलीज हुई है, उन सब में मिस मार्वल के व्यू अब तक सबसे ज्यादा कम है। जी हां, ये काफी दुख वाली बात है, पर मिस मार्वल मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई और दोनों एपिसोड में तो भाई जो और इंडियन का जो टेस्ट दिखाया, इंडियन सॉन्ग दिखाए गए हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अब इतने व्यूज क्यों कम आए, ये तो शायद काफी लोगों को रीजन इसका पता ही है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में। तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन जुलाई से रिलीज होने वाला है और फाइनली एमसीयू की तरफ से प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है शी हल्क का, और मुझे लगता है कि शायद सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जुलाई के महीने में हमें शी हल्क से रिलेटेड और भी न्यू फुटेज देखने को मिलेंगी, आप खुद देख सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है क्रिस्टिन से रिलेटेड, जो कि जेसिका जोन्स का कैरेक्टर प्ले करती थी, और उन्होंने अभी हाल ही में रिवील्ड करा कि वो मार्वल स्टूडियो से बात कर रही हैं इस कैरेक्टर को रिटर्न करने की। चलिए अब बात करते हैं सबसे खतरनाक अपडेट के बारे में, जो कि है डीसी से रिलेटेड। तो एज़ा मिलर जो कि फ्लैश का कैरेक्टर प्ले करते थे, अब अपडेट ये आ रहा है कि वॉर्नर वॉर्स उनको फ्लैश मूवी के बाद किसी भी फ्यूचर प्रोजेक्ट में नहीं लेगा। जी हाँ, अब मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि फ्लैश पॉइंट मूवी से शायद डीसी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो और भी काफ़ी सारी हमें फ्यूचर में मूवी देखने को मिले, पर इन्होंने जो ड्रामा करा है वो आप सभी जानते ही हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है बियॉन्ड द सीन इमेजेस का। अपकमिंग टीवी सीरीज इको में किंग पिंग का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर ने एक इमेज शेयर करी है जिसमें कि वो अपनी बॉडी बिल्डअप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कमाल का कैरेक्टर होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर के अपडेट से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो उसके फाइनली प्रमोशन स्टार्ट हो चुके हैं, ये मूवी रिलीज होने को भी बिल्कुल रेडी है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है, शूटिंग में रैप हो चुकी है, और अपडेट ये आ रहे हैं कि शायद इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है कमिंग सून में है, क्योंकि इसके प्रमोशन स्टार्ट हो चुके हैं, हर जगह इसके बैनर्स पोस्टर लग चुके हैं लोकल सिटीज में यानी कि बाहर इंटरनेशनल में, और जल्द से जल्द हमें इसका ट्रेलर देखने को मिल सकता है। आपका क्या मानना है कि कौन से मंथ में इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पर पर्सनली मुझे लगता है कि शायद सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा। तो गाइस ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट, अगर आपको जो अपडेट अच्छा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो गाइस आज की बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।